दोस्तों, डॉक्टर मेहता क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सबका हार्दिक स्वागत है। हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज जो चल रही है, आज उसमें क्वेश्चन सीरीज 12 का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो बायोलॉजी के अंदर ह्यूमन डिजीज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। बेहतरीन क्वेश्चन हैं जिनमें से एग्जाम में आने के पूरे चांस रहते हैं। तो जो भी स्टूडेंट, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का हो, सेकंड ग्रेड हो, लैब असिस्टेंट हो, सबके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो डिस्कस करते हैं सीरीज 12, और क्वेश्चन नंबर 1 है, स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज किसने, बोलो, की गई थी। तो हमने देखा फ्लेमिंग, पाश्चर, कॉस और जेनर। तो आपको पता होना चाहिए कि एडवर्ड जेनर, ठीक है, बोलो, एडवर्ड जेनर जो है ने, बोलो, सबसे पहले फर्स्ट स्मॉल पॉक्स, ठीक है, स्मॉल पॉक्स, बोलो, का वैक्सीन बनाया था। ठीक है, तो आपको इन्हीं को फादर ऑफ वैक्सीनेशन बोला जाता है। तो किसने डिस्कवरी की थी, बोलो, एडवर्ड जेनर ने। कौन सा वैक्सीन का डिस्कवर किया था, बोलो, डिस्कवर्ड, मैंने कहा डिस्कवर्ड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्ड जेनर। क्लियर? आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है आपका, न्यूयॉर्क, लंदन, बोलो, जेनेवा और पेरिस। आंसर क्या है, बोलो, जेनेवा। ये भी क्वेश्चन बहुत सी बार पूछते हैं। उसके बाद है, कई जंतुओं द्वारा वायरस संक्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न एंटीवायरस पदार्थ, ठीक है, जो कि वायरस के गुणन को रोकता है, यानी वो कौन होता है, विरियोन, एंटीविरोन, बोलो, इंटरफेरॉन, एंटीजन। आप सब जानते हो इंटरफेरॉन आंसर होगा। जब भी किसी में वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो एंटीवायरस सब्सटेंस बॉडी में बन जाता है, जो फर्दर वायरस के गुणन को, मल्टीप्लिकेशन को रोकता है, वो कौन होता है, बोलो, इंटरफेरॉन होता है। क्या होता है, बोलो, इंटरफेरॉन। क्लियर? तो इंटरफेरॉन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। उसके बाद, एक नवजात शिशु में से थाइमस निकाल देने पर किसका उत्पादन नहीं होगा। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए कि थाइमस ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर परमानेंट बच्चों में इम्यून सिस्टम बनाती है, और वो बनाती कैसे है आपको पता होना चाहिए, बोलो, मोनोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। तो जो थाइमस ग्लैंड है वो टी लिम्फोसाइट का मैच्यूरेशन करती है, टी लिम्फोसाइट से रिलेशन रखती है। तो आंसर क्या होगा, बोलो, बोलो, आपका टी लिम्फोसाइट, क्योंकि टी, यहाँ टी लिम्फोसाइट के अंदर, टी लिम्फोसाइट के अंदर टी का मतलब ही क्या होता है, बोलो, थाइमस होता है। क्लियर? अगर आप निकाल दोगे तो इसका उत्पादन नहीं होगा। उसके बाद, शरीर की प्रथम रक्षा पंक्ति कौन सी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। आप जानते हो हमारी बॉडी के अंदर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्किन होती है। क्लियर? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हमारी मैक्रोफेजेज होती है, और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एंटी बॉडी होती है। क्लियर? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, फीवर और इंटरफेरॉन। आंसर क्या होगा, ए, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या बात पता होनी चाहिए, फर्स्ट लाइन, ठीक है, ऑफ डिफेंस। ओके, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, स्किन। उसके बाद सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हमारी बॉडी में कौन है, बोलो, मैक्रोफेजेज है। क्लियर? और उसके बाद थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, बोलो, मैंने कहा एंटी बॉडी। क्लियर? एंटीबॉडी यानी ये हमारी बॉडी के अंदर थ्री लाइन ऑफ डिफेंस होती है। ये क्या है, बोलो, मैंने कहा थ्री लाइन ऑफ डिफेंस। क्लियर? इम्यून सिस्टम के अंदर थ्री लाइन ऑफ डिफेंस होती है, जिसमें आपको यहाँ पर पूछा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इसलिए आंसर क्या होगा, स्किन। क्लियर? आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। उसके बाद DPT टीका एक उदाहरण है। हमने देखा पहला ऑप्शन है पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, बहुत इंटरफेरॉन, ये होगा नहीं, बहुत होगा नहीं। आपको पता होना चाहिए एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर, बोलो, एंटीजन को डाला जाता है, माइक्रोब्स को डेड या वेरी वीक फॉर्म में, एटेन्यूएटेड फॉर्म में डाला जाता है, और हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट लड़कर एंटीबॉडी बनाता है। तो ये जो वैक्सीन होते हैं DPT, बोलो, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस का ट्रिपल एंटीजन, ठीक है, ट्रिपल एंटीजन। ओके, और जो ट्रिपल एंटीजन होता है, और वो आपका क्या होगा, बोलो, जितने भी वैक्सीन होते हैं वो सब एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं, यानी आपका बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके,
एक एंटीबॉडी के अणु में कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि एंटीबॉडी जो होती है उसके अंदर बोलो फोर पॉलीपेप्टाइड चेन, फोर पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जिसमें दो लाइट चेन और दो हैवी चेन। क्लियर? दो तो क्या होती है बोलो, लाइट चेन, और मैंने कहा दो क्या होती है बोलो, हैवी चेन। ठीक है, तो दो लाइट चेन होती है, दो हैवी चेन होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो, बी इज करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद आपका क्वेश्चन है, टीकाकरण सामान्यतः एक भाग होता है बोलो ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, बोलो इटियोलॉजी काओ और प्रोफाइल एक्सिस। हमेशा ध्यान रखना है, वैक्सीन किसका काम करते हैं, प्रोफाइल एक्सिस का करते हैं, बचाव का काम करते हैं। अगर हम बच्चों में वैक्सीन लगाएंगे तो बच्चों में कोई भी डिजीज है इन्फेक्शन होने के चांस कम होंगे, नहीं होंगे ऐसा हम नहीं कह सकते। क्लियर? तो वैक्सीन हमेशा किसका काम करते हैं, प्रोफाइल एक्सिस का काम करते हैं, बचाव का काम करते हैं। क्लियर? ओके, तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। वैक्सीन लगा लोगे तो ऐसा नहीं होगा कि डिजीज कभी नहीं होगी, हो सकती है लेकिन चांस क्या होगा, कम होगा, और हो भी गई तो आपको इतनी सीवियर लेवल पर नहीं होगी। क्लियर? तो यही होता है प्रोफाइल एक्सिस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, टीका होता है, वैक्सीन इज ओरल, बोलो लाइव ओरल पैथोजन, इनएक्टिवेटेड एंटीजन, इनएक्टिवेटेड पैथोजन, कंप्लीट पैथोजन। कंप्लीट पैथोजन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब दो ऑप्शन है, एक है इनएक्टिवेटेड एंटीजन, एक है इनएक्टिवेटेड पैथोजन। तो आंसर क्या होगा, इनएक्टिवेटेड पैथोजन, क्योंकि कोई भी वैक्सीन बनाया जाता है तो वो उस माइक्रोब्स की वेरी एक्टिवेटेड फॉर्म या डेड फॉर्म से बनाया जाता है। क्लियर? तो आंसर क्या होगा बोलो, इनएक्टिवेटेड पैथोजन, अक्रिय रोगाणु से बनाया जाता है। और वैक्सीन का फंडा यही होता है कि अगर किसी को वैक्सीन लगाया तो उसमें सिम्टम्स आ सकते हैं बट डिजीज नहीं होगी। इसीलिए जब भी बच्चों को वैक्सीन लगाया जाता है या किसी बड़े को भी वैक्सीन लगाया जाता है तो पहले 24 आवर्स में उसको फीवर आता है, उसको थोड़ी इरिटेशन होता है, लेकिन उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम उस एंटीजन जो कि बहुत वीक फॉर्म में है उससे अगेंस्ट लड़ रही है और एंटीबॉडी बन रही है। क्लियर? तो आंसर क्या होगा बोलो, सी होगा। उसके बाद है सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द्वितीय पीढ़ी का टीका कौन सा है। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए सेकंड जनरेशन वैक्सीन का मतलब क्या होता है। तो सेकंड बोलो, मैंने कहा जनरेशन वैक्सीन। ओके, सेकंड जनरेशन वैक्सीन का मतलब होता है वो वैक्सीन जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाई जाती है। वो मैंने कहा वैक्सीन जो जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलो से बनाई जाती है। क्लियर? उसको क्या बोलते हैं, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। और इसका अच्छा एग्जाम्पल है हिपेटाइटिस, बोलो हिपेटाइटिस, मैंने कहा वैक्सीन, हर्पीज वैक्सीन, तो आपका स्मॉल पॉक्स बिल्कुल नहीं होगा, डीपीटी भी नहीं होगा, हिपेटाइटिस भी वैक्सीन होगा, पोलियो नहीं होगा। ठीक है, तो हर्पीज वैक्सीन है, हिपेटाइटिस है, ये सब किसके एग्जाम्पल है बोलो, सेकेंड जनरेशन के। तो आपका आंसर क्या होगा बोलो, आपका सी इज करेक्ट आंसर। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि जो वैक्सीन जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाई जाती है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी से बनाई जाती है, वो कौन सी जनरेशन वाली होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आपको पता होना चाहिए जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो भी वैक्सीन बनाई जाती है उन्हें सेकंड जनरेशन वैक्सीन कहते हैं। क्लियर? हर्पीज वैक्सीन, हेपेटाइटिस वैक्सीन एटसेट्रा। फिर है आपका कोलेस्ट्रम, आप जानते हो कोलेस्ट्रम क्या होता है, फर्स्ट बोलो मिल्क सीक्रेशन बाय मेमरी ग्लैंड इन बोलो आपसे इम्यूनोग्लोबिन, तो दुग्ध ग्रंथि में स्रावित प्रथम दूध। कोलेस्ट्रॉल में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल में कौन सा होता है, IgA होता है। क्लियर? और IgG होता है, वो प्लेसेंटा से क्रॉस होकर मिलता है बच्चे को। तो आपका फर्स्ट मिल्क कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है, A होता है। आपको पता होना चाहिए फर्स्ट मिल्क को क्या बोलते हैं बोलो, कोलेस्ट्रम आपका, और फर्स्ट अल्फाबेट भी कौन सा होता है, ए। तो आपको ध्यान रखना है IgA इज ए बोलो इम्यूनोग्लोबुलिन IG बोलो जो कि कोलेस्ट्रम फर्स्ट मदर मिल से मिलता है। फिर है मायोस्थेमिया ग्रेविस का कारण है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मायोस्थेमिया ग्रेविस क्या होता है, कभी भी बच्चों के अंदर बोलो थायमोसिन हार्मोन की अधिकता होने से उनका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉक हो जाता है और उसको मायोस्थेमिया रोग हो जाता है। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो कि परसेंट टू परसेंट वेरी करता है। तो यहाँ पर मायोस्थेमिया ग्रेविस ड्यू टू
आपका इंटरफेरॉन बिल्कुल नहीं होगा, एंटीजन बिल्कुल नहीं होगा, ऑटो एंटीजन और टॉक्सिन, तो आपका क्या होगा? ऑटो एंटीजन, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला कि ये क्या है, ऑटो इम्यून, बोलो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, क्लियर? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब आप समझ जाओ कि मायस्थेमिया ग्रेविस का बोलो डिजीज होता तो बोलो मैंने कहा थाइमोसिन हार्मोन की बच्चों में अधिकता के कारण, लेकिन इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर माना जाता है जो पर्सन टू पर्सन बोलो चाइल्ड टू चाइल्ड वेरी करता है, क्लियर? उसके बाद आपका नेक्स्ट बोलो यही है, नेक्स्ट 14, वह रोग जिसमें रक्त में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। अक्सर ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंपटीशन में आता है, चाहे जनरल साइंस हो कहीं पर भी, तो आपको पता होना चाहिए जब भी बोलो ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ेगी तो गाउट रोग होता है। क्या होता है? बोलो गाउट। अर्थराइटिस नहीं होगा, रूमेटिज्म नहीं होगा, गाउट होगा, क्लियर? क्योंकि यूरिक एसिड की मात्रा बोलो मैंने कहा एसिड की मात्रा इनकी जब भी बोलो ब्लड में होती है तो क्या होता है? बोलो गाउट होता है। क्या होता है? बोलो गाउट, आपसे मैं कह रहा हूँ होता है, क्लियर? उसके बाद है सांप के कांटे बोलो का एंटीवीनम द्वारा उपचार किया जाता है। अगर किसी को सांप काट लेता है तो एंटीवीनम लगाते हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है एंटीवीनम क्या है, तो मैंने कहा एंटीवीनम, क्लियर? तो एंटीवीनम यानी कब लगाया जाएगा? जब किसी को सांप ने काट लिया है, क्लियर? तो इसका मतलब हुआ कि अगर किसी को सांप ने काट लिया है तो हम उसमें एंटीजन तो डालेंगे नहीं, डेफिनेटली एंटीडोट एंटीबॉडी डालेंगे, तो इसका मतलब हुआ कि आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बोलो पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी बोलो नेचुरल, बोलो मैंने कहा स्पेसिफिक नेचुरल इम्यूनिटी। अब दो है, एक नेचुरल एक्वायर्ड और एक आर्टिफिशियल एक्वायर्ड, तो डेफिनेटली यहाँ पर सांप के काटने पर जो लगाया जाता है वो होता तो मैंने कहा पैसिव इम्यूनिटी है, लेकिन वो कैसा होता है? बोलो आर्टिफिशियल, क्योंकि लैब में पहले बनाया जाता है। नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी नहीं होता है। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल क्या होता है कि एक प्लेसेंटा से क्रॉस कर बोलो मदर से बच्चे को IgG मिलती है, फर्स्ट मदर मिल्क से IgA मिलती है, ये जो होते हैं वो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के एग्जाम्पल होते हैं। जो हमें बोलो आप TT का इंजेक्शन लगाते हो, बोलो जब भी टिटनस या किसी को लोहे या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें भी आपकी आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी होती है। अगर किसी को एंटीविनम लगाया जाता है वो भी आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी होती है, क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगेन हमने आज इम्यून सिस्टम और ह्यूमन डिजीज के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन किए जो हमारी सीरीज के तहत चल रहा है। आज हमने बोलो 12 सीरीज कर चुके हैं। आई होप आपको ये सीरीज का सेक्शन बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर आप कंटिन्यू देखते हो तो आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। बस मैंने कहा ना, कोई भी चीज़ तभी बेनिफिट करती है जब हम उसको रेगुलर गेन करते रहते हैं, तो ही आपको बेनिफिट होगा। और अगर पहले की सीरीज आपने नहीं देखी हो और आप देखना चाहते हो तो डॉक्टर मेहता क्लासेस की यूट्यूब चैनल के जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज का एक बनाया हुआ कॉलम है, उसमें आपको सारे बोलो पेपर की लिंक मिल जाएंगे और इन सब की PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, क्लियर? तो आप अच्छे से जुड़े और अच्छे से देखते रहें और इस सीरीज का बेनिफिट लें। ओके, बेस्ट ऑफ लक।